बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो बज गए सुबह के सवा 8 बज गए और हम हो गए नहा के रेडी। संडे है आज और जल्दी हो गए रेडी। जय भगवान जी, जय बाबा जी। तो अभी चलते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं ऊपर रूम में, नंदगी आते हैं और फिर चलते हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने। बढ़िया, ये अपने भाई लोग सब पहुंच गए हैं गणेश भगवान के पास। जब भी आप आओगे आपका पैसा नहीं भाई, मंदिर भोलेनाथ के जल चढ़ाने। और पवन लोग का कॉल आ रहा है सवेरे से, तो हम तो सोई 2 बजे तो उठने का हूँ भाई। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने आज मस्त। तो अभी चलते हैं मंदिर, जल चढ़ा के आते हैं, देन थोड़ा सा कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, ब्रेड वगैरह ब्रेड खा के फिर निकलते हैं सीधे घूमने के लिए। जय भोले शंकर। फाइनली हम आ गए भाई मंदिर से। अब चलते हैं नाश्ता वाशा करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं बढ़िया, और फिर चलते हैं सीधे घूमने के लिए। भाई गुड्डू भी आगे चले गए, लेने आए थे पर टाइम लगेगा हमें थोड़ा। कि अब भाई देखो ट्रिप ले निकल गए, पवन आ गया लेने, पवन आया गणपति बप्पा। और यार तो हम लोग जा रहे हैं भाई साहब ढोलकल जा रहे हैं। और मैं पहले जा चुका हूँ, पवन लोग का पहला, पवन लोग पिछले साल गए थे बट दूसरे पहाड़ पर चढ़ गए थे। अभी और एक बार दर्शन नहीं दिए, तो अभी इसमें दोबारा ट्रिप हो रहा है। एक साल हो चुका है, लेट हुआ है बट तेरी वजह से लेट हुआ है, क्योंकि मन नहीं आ रहा जाने का। तो मन लावा है तो चल रहे थे, 9 बज चुके हैं यहीं पे, निकल रहे हैं नाश्ता कर लिए करीब 28 लोगों ने, और डायरेक्ट गाड़ी दबेगी और सीधा ढोलकल घूम गई। बर्मन भाई का जो और गुड्डू भी आगे जो ये प्लान है सक्सेस होने जा रहा है। पहुँचे तो नहीं है, अभी निकले हैं सिर्फ जगदलपुर से। स्वप्निल भी आ गया है मस्त, ये गुड्डू भी और बर्मन के जोर के कारण ही जा रहे हैं आज का ट्रिप, नहीं तो शायद अभी तो नहीं तो कैंसिल हो जाता यार ट्रिप। अभी तो अब निकले हैं बस ढोलकल के लिए हम लोग भी। तो भाई साहब हम लोग पहुंच गए पास्तानार घाट, पवन लोग की गाड़ी हो गई थी पंचर तो उसको बनवार के उन्होंने भी निकले हैं, हम लोग निकल चुके हैं। देखो मस्त क्या व्यू है भाई सामने, बस्तर की वादियाँ खूबसूरत, बस्तर की वादियाँ। ये अपना स्वप्निल भाई मस्त गाड़ी चला रहा है, गुड्डू भी आए हैं, यहाँ पे छोटा सा झरना, इधर बर्मन भाई भी किनारे पे छोटा सा झरना रहता है साइड में ना। तो ये देखो मस्त निकले हैं अपन। सो भाई हम लोग पहुँच गए बंजारीन घाट, देख वो देखो बर्मन और ये मैं, तो हम लोग यहाँ आ गए, पवन लोग पीछे हैं अभी, उन मस्ती करते आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो हम लोग तो पहुँच गए यहाँ और दर्शन भी कर लिए, प्रसाद भी खा लिए बढ़िया, और जूता पहनते और निकलते हैं बस आगे का सफ़र, क्योंकि लंबा है भी सफ़र भाई। ये देखो स्वप्निल और गुड्डू भैया तरानी। तो बंजारीन घाट मंदिर में दर्शन और फिर हमारी सवारी निकल पड़ी है भाई। देखो मस्त सब जैकेट उतार दिए, बस स्वप्निल पहना हुआ है जैकेट अभी, स्वप्निल को लग रही है ठंड। मैं हाफ जैकेट पहना हूँ, हाफ जैकेट पहना है स्वप्निल। तो बर्मन भाई बैठा है पीछे, ये देखो भाई गीदम एंट्री और यहाँ पर लगा है मार्केट, हाँ अजीब टाइप का ये गीदम एंट्री अपनी मार्केट लगा है भाई, इस तरह रश है रश। ये पावन धारा में आ चुके हैं भाई अपन, पिछले बार की तुलना में अपन बहुत जल्दी आ गए हैं। अच्छा है, अच्छा है। पिछले बार तो मैं था नहीं, दंतेश्वरी माई के दरबार दंतेवाड़ा पावन धारा में आ गए, पिछले बार अपन 12:30 यहाँ पहुंचे थे, 1 बजे चढ़ना शुरू किए थे सड़कों पे भाई। देखो बर्मन और मैं तो हम लोग यहाँ रुके थे मस्त नाश्ता वाशा कर लिए, अब यहाँ से 20-22 किलोमीटर बचा है अपना लोकेशन, तो अब निकलते हैं। स्वप्निल और गुड्डू भी आ रहे हैं पीछे, अब भाई लोग तो बहुत पीछे हैं यार, अगर हमको देख लिए रुके हुए तो 1 घंटा और 12:45 हो गया है, तो 12:45 बजे निकल रही है ना भाई। पहले जी का आए थे भाई, देखो ये देखो स्वप्निल भाई अपना पायलट आदमी, ये अपना गुड्डू भैया, तो अभी निकल रहे हैं भाई भाई अपने डेस्टिनेशन में। देखो ये सामने उन्नो पहुंच गए होंगे, तो ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है भाई उसके उस पार है ढोलकाल, तो ऑन द वे है, बस 2-3 किलोमीटर रह गया है और फिर ट्रैक चालू करना है वहां से। तो ये अपने सब भाई लोग देखो, ये स्वप्निल गुड्डू भी खाया है पूरा रास्ता भर, गुड्डू भी और मैं ट्रैकिंग शुरू भाई अपनी ढोलकल के लिए। पीछे भाई अपने लोग आ रहे हैं, देखो सब लड़ाई कर रहे हैं बैग टांगने के लिए, गुड्डू भैया तो टांग लिए अपना बैग, मैंने पकड़ा है पानी बॉटल भाई, क्योंकि शोल्डर है अपना थोड़ा सा गड़बड़,
गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी इतना हल्का हो के चलो यार, बाकी तो ऊपर वाला ताकत सब दे देता है। तो बढ़िया निकल गए देखो ट्रैकिंग में। देखो इधर सामने नज़ारा देखो, पूरा जंगल के बीच से रास्ता है। ट्रैकिंग होगी भाई आज 8-10 किलोमीटर की वापस, काफ़ी दिनों के बाद ट्रैक वाले अपने रूट पे पहाड़ों पे, जो कि नॉर्मली मुझे पसंद है ट्रैक करना। हालांकि हर ट्रैक कठिन होता है। और गुड्डू भी और मैं भी चल रहे हैं आगे, सभी पीछे मस्ती करते आ रहे हैं उन लोग भी। तो चलना तो है, दो पहाड़ है भाई यहाँ से, इस पहाड़ में घुसना है शायद ना, ये है ना, ये देखो सामने भाई, ये रास्ता हमको एंट्री करना है। तो यहाँ से चलेंगे मस्त ट्रैकिंग के लिए अपन। एंड 1700 साल पुरानी जो है गणपति बप्पा का जो है वहाँ पर मूर्ति रखा हुआ है, 1700 साल पुराना। तो जो मूर्तिकार है भाई बनाया था जिन्होंने, तो ऐसे रास्तों से हो कि उस समय तो इतना रास्ता सही नहीं था। ये देखो भाई 9 साल बाद वापस जो है, तो ये भाई देखो 9 साल बाद वापस ट्रैक में आ गए अपन मस्त। सो ये देखो भाई फाइनली हम लोग ट्रैक में निकल गए। और ये अपना बर्मन भाई आगे है बढ़िया। तो ये पीछे देखो गुड्डू भैया हैं, दलाई दिखो मलय गौरव भाई, विजय भैया आलू गुंडा खाओगे ना? नहीं नहीं, पवन कैलाश सब आ रहे हैं भाई। तो बढ़िया, बस ट्रैकिंग शुरू हो गई है 10 साल बाद वापस गणपति बप्पा के द्वार। 10 साल पहले आया था इस जगह, 10 साल बाद वापस। एंड मिट्टी अभी गिल्ली बहुत ज़्यादा यार, क्योंकि बारिश हुई है कंटिन्यू जो 3-4 दिन, तो उसकी वजह से जो है सतह जो है बहुत नमी है यार। लीड करते हुए बर्मन दादा, एक रेस्ट हुआ है भाई 2 किलोमीटर के बाद। ये देखो शिवा भाई, मेन श्रेय शिवा भाई को आज के ट्रिप के लिए। और बर्मन उधर पानी पी रहा है स्प्राइट। पवन मलय गौरव भाई अपना चश्मा लगा के मस्त एकदम। आओ भाई लोग, ये प्लानर आज का मेरा बर्मन प्लानर भाई, ये स्वप्निल भाई मस्त हमारा पायलट। और उधर देखो गुड्डू भी, और बिल्कुल बता दिया बर्मन के राजा दोनों। तो मजा आ गया भाई, पहला स्टॉपेज भाई। और यहाँ पर देखो हमारे हमारा ग्रुप खाने के लिए। देखो ये देखो आलू गुंडा पूरा खुल गया एकदम मस्त। ये सब भाई लोग देखो खाते हुए, स्वप्निल पवन मलय बर्मन गुड्डू भैया शिवा राजा गौरव सब मस्त खाते हुए आलू गुंडा। तो ये देखो भाई सब भाई लोग का नाश्ता वाश्ता हो गया। गौरव बैग टांग लिया वापस, बर्मन भाई देखो मोबाइल को डाल रहा है बैग में, बैग टांग रहा है वो उधर, कोई और नहीं उधर झूला झूल रहे भाई लोग। तो ये देखो स्वप्निल अपनी, चलो यार चलो ले भाई। देखो एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है, ये दिख रहा है ना, यहाँ चढ़ना है हमें अभी। और अपने जवान मन यहाँ सब, बर्मन भाई गौरव गुड्डू भी अभी आ गए। तो ये देखो स्ट्रेट जो दिख रहा है ना, ये ऐसे स्ट्रेट अभी बहुत चढ़ाई, खड़ी पहाड़ी अभी बहुत सारे आएंगे ऐसे। तो ये देखो भाई अपने सब भाई लोग, बर्मन स्वप्निला है सबसे पीछे, वो है राजा शिवा गुड्डू भैया गौरव, तो सब आते हुए। चलो तो भाई ट्रैकिंग बोलने से सबसे पसंदीदा यार पहाड़ों में आना, और फाइनली 1-1.5 साल के बाद पहाड़ों में आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति। तो धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए। सो फाइनली हम हैं अभी आगे थोड़ा 200 से 300-400 मीटर, तो सभी हैं पीछे, क्योंकि भाई अगर आपको पहाड़ में चढ़ना है ना यार, तो जितना ज़्यादा लाइट वेट रहो, नाश्ता करो बट लाइट नाश्ता करो, ताकि आपको चढ़ने में दिक्कत ना हो। सांस तो फूलेगी यार, चाहे वो हेल्दी इंसान हो चाहे दुबला पतला, सांस तो थोड़ी सी हार्ट बीट जो है बढ़ेगी ज़रूर। तो अभी मैं हूँ देखो, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाई लोग अपने। देखो भाई सपाट वाले रास्ते में आ गए एकदम, बर्मन भाई भी है अपने साथ, गुड्डू भी है। बर्मन और गुड्डू भाई यार उनके साथ ना इंसाफी हुई है कि पूरा बैग लाद दिए। मुड़ो बर्मन भाई,
बैग दिखाओ अपना, ये देखो, और ये गुड्डू भैया का बैग देखो। तो लगभग 10 किलो का भार दोनों 20 किलो उठा रहे हैं, तो ये दिक्कत है यार, क्योंकि पहाड़ में चलना है ना, तो आपका कंधा जो है एकदम हल्का रहना चाहिए। चलो चलो, यही है। तो ये भाई लोग आ रहे हैं, चलो। तो ये देखो भाई लोग दर्शन करके आ रहे हैं। कैसा था भाई? बढ़िया, एक नंबर दर्शन हो गया। दूर है कि आगे? अभी आगे आ गए। तो चलो, सो ये देखो भाई, बस्तर के घने जंगल, ये अपने गुड्डू भैया, बर्मन भाई और मैं, तीनों हम लोग आगे हैं, और नांदगांव की टीम आई है, तो उन लोग अब ट्रैकिंग करके वापस आ रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं अपनी जगह में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। तो ये देखो रास्ता, घना जंगल, मस्त। देखो भाई खूबसूरत यार, बस्तर की वादियाँ, बस्तर के पहाड़ अलग है यार। उत्तराखंड जो पहाड़, बस्तर का पहाड़ जो चढ़े थे हम लोग दोस्तों, तो वो काफ़ी ज़्यादा अलग, यहाँ काफ़ी ज़्यादा, बस्तर में काफ़ी ज़्यादा अलग है, उत्तराखंड में काफ़ी अलग, एंड कश्मीर का पहाड़ भी और भी अलग। तो पहाड़ वैसे भी यार, पहाड़ों से आप बात कर सकते हो अगर शांत रहो तो, फील करो इस माहौल को, इस व्यू को। तो बर्मन भाई हमारे देखो सबसे आगे, प्लानर, आज के जो प्लानर सक्सेस हो रहा है बर्मन भाई के जोर से, और गुड्डू भैया हमारे, और शिवा दो हफ्ता पहले ही बोला था, तो लेकिन इस बार जो और प्रॉपर जोर डाले हैं 3-4 दिनों में, वो बर्मन है, जिसकी वजह से आज सभी निकले हैं। जैसे भी निकल गए लटे पटे, बट निकल गए भाई फाइनली। हाँ, अगर आज गाड़ी नहीं होती तो बाइक में निकलते हम लोग, बट आज दर्शन के लिए निकलते जरूर। तो ये अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए पहुँच तो गए भाई। दो रास्ता है यहाँ से, कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये रास्ता तो कहीं दिख नहीं रहा है जाने के लिए, तो ये एक रास्ता दिख रहा है। अब सब भाई लोग को आ जाने दो। हाँ, ये रास्ता वैसे दिख नहीं रहा है, इस तरफ से जाना है हम लोग को। ये रास्ता है, ये दिख तो नहीं रहा है कुछ, यही रास्ता है, ये रास्ता नहीं है ना, कहाँ रास्ता है? तो हमारे बाकी भाई लोग, 6 भाई लोग नीचे आ जाते हैं, तो फिर तब तब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। देखो बर्मन पहुँच गया, मैं पहुँच गया फाइनली, ये अपने गुड्डू भाई पहुँच गया यार। मेन सबसे ज़्यादा मेहनत और एक्चुअल ट्रैकिंग बर्मन और गुड्डू भैया की है, 10-10 किलो को लाद के भाई। बैठो गुड्डू भैया यहाँ पत्थर में। फाइनली पवन, गुड्डू भैया, मैं और बर्मन यार, हम लोग तीनों तो पहुंच गए हैं, काफ़ी देर खड़े हैं, 10-15 मिनट से, इन लोग अभी तक नीचे फोटो सेशन करा रहे हैं। तो वही कह रहा हूँ मैं कि आओ भाई चलते हैं, क्योंकि 2:30 बजने को हैं, और पहाड़ में यार तो जो अंधेरा जो है काफ़ी जल्दी होता है, 5 बजे तो जगदलपुर में ही अंधेरा हो जा रहा है, पहाड़ के बीच में हैं और पूरे पेड़ पौधे हैं, तो जल्दी अंधेरा होता है। तो ये देखो पीछे और लोग आ रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए, और चेहरे आते हुए। तो ये अपने भाई लोग फाइनली साकार करवा दिया बर्मन भाई ने, अभी तो मेन मूर्ति के पास पहुँचना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है भाई। 10 साल पहले जब आए थे तो गणपति बप्पा को हाथ जोड़ के गए थे, ये मेरा लास्ट है, बट उन्होंने वापस बुलवा लिया है। तो बस अब चलते हैं, दर्शन करते हैं, भाई लोग आ रहे नहीं, अपने भाई लोग का इंतजार। पहली भाई हम लोग पहुंच गए गणपति बप्पा के दर, वो रहे गणपति बप्पा ढोलकल। तो ये देखो पूरा नजारा अगल बगल पूरा, ये पवन भाई मेरे को फाइनली यहाँ तक ले आया भाई, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा यार, हार मान लिया मैं, इससे आगे मुश्किल है। सो ये भाई लोग देखो सब चढ़ गए वहाँ गणपति बप्पा के पास, पवन भी जाता हुआ, ये अपना गौरव और कैलाश वहाँ पहुँच गए गणपति बप्पा के पास। जय श्री राम। तो ये फाइनली भाई वहाँ दर्शन करके मैं आ गया, पवन भाई और कैलाश यार पूरा मेरे को जैक लगा के ऊपर चढ़ाए हैं, नीचे उतारे हैं, जैसे भी चढ़े लेकिन आ गया मैं जैसे तैसे। अब वापसी जा रहे भाई, अब ये गणेश भगवान जय भगवान जी। 3 बज गया है, ये अपने भाई लोग सब दर्शन कर लिए। देखो मले भी कर लिया फाइनली, पवन भी कर लिया, पवन पूरा आया था नीचे ले गया इधर, गौरव कैलाश बढ़िया चढ़ा दिया, बढ़िया दर्शन कर लिए भाई, तो मस्त हो गया। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मात दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्ते सिंधुलक सोहे मूस की सवारी,
तिलक सोहे मूस की सवारी, जेथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। लड्डुअनेश जय गणेश देवा, माता जी की।